मैं महीने में 81 का व्रत रखती हूँ, तो मुझे आलू का जो हलवा होता है वो बहुत पसंद है। तो आज बनाते हैं, फिर आज बनाते हैं आलू का हलवा कुछ नए तरीके से। मैंने उबले हुए 2 आलू लिए हैं, आपको जितनी ज़रूरत हो आप उतने लीजिए। वो छील लेते हैं। सफ़ेद तिल लिए हैं और आपको जितने पसंद हो या आप जितना डालना चाहें आप उतने ले सकते हैं। सूखा ही भून रहे हैं, थोड़ा सा पिंक होने तक भुनेंगे बस। तो गया हल्का सा पिंक हो गया है तिल, और हम इसे कढ़ाई से निकाल लेते हैं। कढ़ाई में थोड़ा सा देसी घी डालते हैं। मैंने थोड़ी सी ब्लैक किशमिश ली है और इसको थोड़ा सा फ्राई कर लेते हैं। और थोड़े से लिए हैं काजू और थोड़े से लिए हैं बादाम, इनको भी साथ डाल लेते हैं। हमने ड्राई फ्रूट लिया था उसको एक साइड कर देते हैं और अब डाल लेते हैं इसमें स्वाद अनुसार चीनी, जितनी आपको पसंद हो। गैस को हल्का रखेंगे। और आलू को फोड़ते हुए डाल लेंगे। अगर आपको कद्दूकस करा पसंद है तो आप कद्दूकस भी कर सकते हैं। आप इसे हर व्रत में खा सकते हैं, नवरात्र वगैरह में भी खा सकते हैं। खाने में बहुत टेस्टी लगेगा, देखने में तो लग ही रहा है। आप घी इसमें और भी डाल सकते हैं, लेकिन मैं ज्यादा घी नहीं डाल रही हूँ। घी का इस्तेमाल कम कर दी हूँ, तो मैंने थोड़ा सा पानी डाला है, 2-3 चम्मच ही डाला है। और अब इसको अच्छे से पका लेते हैं। पकने वाला है तो अब डाल देते हैं हम जो हमने तिल भुने थे, और थोड़ी सी देर इसके साथ भी इसको पकाते हैं। आप बिना तिल के भी बना सकते हैं, वो भी खाने में बहुत टेस्टी लगता है। तिल क्योंकि हमारे शरीर के लिए बहुत अच्छा होता है, तो जिस भी तरीके से हम ले सकते हैं हम लेने की कोशिश करनी चाहिए हमें। हलवा बनकर तैयार हो गया है और गैस को कर देते हैं बंद। आप इसे दही के साथ, चाय के साथ या आप प्लेन भी खा सकते हैं। दही के साथ खाना बहुत पसंद है, मन करके बताएं कि आपको किसके साथ खाना पसंद है, और एक बार अवश्य बना करके खाएं। बताएं कि आपको यह रेसिपी कैसी लगी। चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।